शांति ही सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 29 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मानव जीवन का लक्ष्य आखिर क्या है, प्रश्न उठता है ना? मानव जीवन का लक्ष्य है सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तभी संभव है जब हमारे भीतर की दिव्यता, पवित्रता, भव्यता अपने पूर्ण रूप में उजागर हो जाए। अब प्रश्न उठता है, ये दिव्यता पवित्रता कैसे प्रकट होगी? कौन मदद करेगा? क्या विधि विधान है? तो एक ही उत्तर मिलता है, बिना ईश्वरीय मिलन एवं ईश्वरीय ज्ञान के ये संभव नहीं है। आत्मा का परमपिता परमात्मा से संगम मिलन कलयुग के तथा सतयुग के संधि काल पर होता है। यही सृष्टि का अमृत काल है, जब स्वयं अमरनाथ परम पिता परमात्मा सदाशिव आकर हमारे भीतर की दिव्यता पवित्रता को सहज राजयोग के माध्यम से प्रकट करते हैं तथा हमें आत्मा के अमृतत्व का सद्ज्ञान देते हैं। यही ईश्वरीय ज्ञान ही वास्तव में अमर कथा है। अमृतत्व बोध जब प्रकट होता है तो दिव्यता एवं पावनता का प्रकटीकरण होने से मानव स्वयं ही देव बन जाता है। नर नारायण स्वरूप तथा नारी लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती हैं। ज्ञान योग के अभ्यास से आसुरी गुण छूट जाते हैं और दैवी गुण धारण हो जाते हैं या दैवी गुण भीतर प्रकट होने लगते हैं। मानव के भीतर देवत्व का जागरण करना ये सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है दैवी गुण धारण करने की, अन्य आत्माओं को भी धारण कराने की। इसलिए चेक करो कहां तक स्वयं प्रति पतित से पावन बने हैं तथा कितनों को पावन बनाने की सेवा की है। ये रूहानी सेवा से ही पता चलता है कि तुम कितने अच्छे पुरुषार्थी हो। हमेशा याद रखना है, जो करेगा सो पाएगा। जीवन में बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। आगे बाबा ने कहा, एक भगवान की है श्रीमत, जिसके पालन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। भगवान की श्रीमत सर्व मानव मतों से न्यारी है, प्यारी है। भगवान कहते हैं, प्यारे बच्चों, इस पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया से बेहद का संन्यास करो। कहीं पर भी लगाव एवं झुकाव नहीं होना चाहिए।
चेक करना है। ऐसा करने से तुम्हारी वृत्ति परम पिता परमात्मा सदाशिव में स्थिर हो जाएगी और तुम्हें स्वतः ही शांति धाम सुख धाम की याद आती रहेगी। संन्यास वृत्ति का अर्थ ही है तुम बच्चों को गृहस्थ में रहते, पवित्र प्रवृत्ति में रहते, कमल पुष्प के समान अप्रभावित रहना है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया का थप्पड़ लगने से कई बच्चे पतित हो जाते हैं, अर्थात इस रूहानी पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। कभी काम का थप्पड़, कभी क्रोध का, तो कभी अहंकार का थप्पड़ लग जाता है। तुम बच्चों को बेहद का पिता जो शिव है उस पर पूरा फरमान बरदार और वफादार बनकर रहना है। तुम्हारा काम है सबको सुख देना। जैसे शिव बाबा सुखदाता है, वैसे तुम बच्चे भी सुखदेव सुखदेवी हो। तो चलिए अपने स्वमान में टिक जाते हैं कि मास्टर सुखदेव और सुखदेवी आत्मा हूं। अपने सुख स्वरूप को, खुशी के वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैलाना है। प्रभु चिंतन करो, प्रभु प्यारो हो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की है लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने सीन को बचा लो, हर तरफ से बुद्धि हटा कर देखो, परमात्मा में लगा कर मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा दे खुला कर ज्ञान मंथन करो ओ दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो, अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। आज का वरदान है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शिव बाबा द्वारा जो भी शक्तियां मिलती हैं, उन सर्व शक्तियों को बाबा कहते कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ एक ही काम करना है, इन शक्तियों को कैसे यूज कर सकते हैं?
सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाबा भगवान तथा आदि पिता ब्रह्मा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा द्वारा ये अविनाशी गिफ्ट मिली हुई है। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होंगे तो नथिंग न्यू कहकर हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, करण करावनहार ने ये करा ही रखा है, मैंने तो सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी श्रीमत के अनुसार कदम पर कदम रखना है। कार्य तो संपन्न हुआ ही पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।